मैं जा रहा हूँ सैलाकुई की ओर। तो शाम के 5 बज चुके हैं, तो अभी मैं जैसे ही जाऊँगा 5 बजे तो वहाँ पहुँच जाऊँगा मैं 1 घंटे में, करीबन करीब 1 घंटा तो लगेगा मेरे को, इसलिए मैं निकल चुका हूँ। बाकी मिलते हैं आपको सैलाकुई में, अभी आगे मैं व्यू दिखाते रहूँगा आपको। फाइनली मैं अपने घर से पहुंच चुका हूं यहां रूम पे सैलाकुई। मैं घर से निकला था 5 बजे, तो थोड़ी देर पहले पहुंचा था मैं यहां पे। अभी मैं यहां पर खाना बना रहा हूं, स्टार्ट कर रहा हूं खाना बनाना। तो आज दीदी का बर्थडे भी है, मैंने सुबह ब्लॉग में बताना भूल गया, तो आज दीदी का बर्थडे भी है, बर्थडे भी मनाएंगे। तो पहले मैं यहाँ पर खाना बना लेता हूँ। कि मैंने यहाँ पर प्याज टमाटर डाल दिए हैं, यहाँ पर मसाला नमक डाल दिया है, और अभी थोड़ा सा ग्रेवी बनने देते हैं हल्की हल्की। और यहाँ पर मैंने धनिया काट के रख लिया है, बाकी दाल भी मैंने पका ली है, अब पहले मैं दाल बना लेता हूँ। बाकी ये देखिए दाल उमल के रेडी हो चुकी है, और यहाँ पर मैंने चावल चढ़ा के, मतलब चावल साफ करके यहाँ पर डाल दिए हैं प्रेशर कुकर में, और मैं चढ़ाऊँगा थोड़ी देर में। पहले इस दाल को थोड़ा सा अच्छे से उबलने देता हूँ, बाकी तब खाने में भी मज़ा आएगा ना, जिस हिसाब से दाल उबलेगी मस्त करके उसी हिसाब से स्वाद भी आएगा दाल का। तो थोड़ी देर में मैं ये धनिया डाल दूंगा, बारी आ चुकी है इसमें धनिया डालने की, तो धनिया डालता हूँ मैं इसमें। धनिया का स्वाद भी आता है ना, इसलिए लास्ट में धनिया डालना पड़ता है, काफ़ी अच्छा स्वाद आता है खाने में। धनिया डालो बस, अभी से थोड़ा सा हिला लेता हूँ बस, उसके बाद मेरी दाल रेडी हो चुकी है, उसके बाद चावल चढ़ा दूंगा मैं। यहाँ पर बर्थडे स्टार्ट हो चुका है, चलो भाई। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर स्वाति दीदी, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये गुलाब कैसे है? चलो भाई, ये है आजकल नए नए दिख रहे होंगे आपको मेरे ब्लॉग में, ये है बबलू भैया, ये है किरण दीदी और स्वाति दीदी, रुचि दीदी। तो ये है केक आज का। ये नहीं है, वो नकली नहीं है, असली हो, असली है यार। कटी ना, वो दूसरी चक्कू ले गया। नहीं नहीं, ये 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 दीवार लगा रखी ना इन्होंने, ये वाला ये ऐसा कि इससे नहीं कट रहा है, किनारे किनारे से निकाल दो। और चॉकलेट वाला ब्राउनी वाला लेके आ, ब्राउनी है दो अच्छे, ये लो भाई खाओ ना, मेरे हाथ में दे कप्पू का भाई। हां नहीं, तू हमारा पर मुंह बनवा जा रुचि, एक मिनट ऐसे लग रहा तार पर खा रहे हो केक। रहना देखो गाइस, ये हमारे बुजुर्ग इंसान है, ये देखो थोड़ा ये थोड़ा सा ठंड बहुत लगती है इनको। क्या है? मैंने ये रखा ना, ये तो बुजुर्ग ये बिस्तर में बैठ रखी, मैं खा रही कल खा। इस लड़की का रिश्ता ही नहीं हो रहा, इसको कोई लड़का पसंद ही नहीं आ रहा, कोई इसको लड़का ढूंढ दो, बस लड़का ऐसा होना चाहिए बस, और सुबह उठना ना बड़े जल्दी, और लड़ाई करने वाला होना चाहिए, दिन रात सींग निकाल निकले हुए होने चाहिए उसके दो, जैसे इसके निकले हुए सींग। देखो ये बेचारा भाई कैसे इसके बाल नोच नोच के आगे ला रखे हैं, बेचारा कितने दिन से नहीं खाया। तू चखेगी? मैंने चखना बंद कर दिया अब, सीधे खाती हूँ मैं सीधा खाना वाला।